देखिए, जो विनेश का 2016 में जो मेडल से चुक गई थी, फिर 20 में भी, लेकिन अब जो 24 का था, इसमें पेरिस ओलंपिक बहुत बढ़िया उसने जो है अपना किया, और जो है वो लास्ट में जो है डिस्क्वालीफाई करी 100 ग्राम से। तो इसी मेरी अपने विचार हैं और कोशिश रही मेरी भी 2028 ओलंपिक और लड़े, क्यों एक सपना था जो गोल्ड मेडल का। गोल्ड मेडल तो नहीं मिला, लेकिन लोगों ने बड़ी जो ना 140 करोड़ भारतवासियों ने बड़ा प्रेम प्यार और जो ना दिया, और उनकी इच्छा आस थी कि विनेश जो ना एक दिन गोल्ड मेडल लेके आएगी। काफी हौसला अपना है, काफी प्रेम प्यार दिया है, काफी दुख होया लोगों को। तो अब मेरी भी और सभी की यही जो 140 करोड़ भारतवासी सबके आस उम्मीद थी कि अब की बार तो गोल्ड मेडल नहीं आया, लेकिन अगली बार विनेश गोल्ड मेडल लेके आएगी, काफी हौला पजाई किया। और उसने ये जो निर्णय लिया है, मैं तो अपनी तरफ से ये है, मुझे जो ना इस चीज का दुख है जो विनेश जो राजनीति में आएगी, लेकिन 2028 के चुनाव के 28 ओलंपिक के बाद में, उसके बाद में डिसीजन लेती तो बहुत बढ़िया होता। देखिए, कोई भी विचार नहीं था इसका पहले, अब चुनाव लड़ने का किसी अंश ने बजरंग का था, नहीं इसका था ना। ये तो लास्ट स्टेज में जो कांग्रेस ने कैसे किया है इसका तो मैं नहीं कह सकता भी, लेकिन पहले कोई इरादा नहीं था इसका, कोई चुनाव लड़ने का। ये सब एक ब्रजभूषण मनोगत कहानी कर रहा है, ये झूठी बात है। देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, टिकट तो होती है किसी पार्टी के लिए, आप सबको तो टिकट मिलती नहीं। जो बबीता का जो पार्टी निर्णय लिया है वो सोच समझ के निर्णय लिया है, और जो पार्टी फैसला करती है उसको जो है मानना चाहिए।